जिसको हिंदी में बोलते हैं सम्मिश्र संख्याएं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर ये जो टॉपिक है इसमें बहुत बड़ा रोल है आयोटा का, ठीक है। बार बार आयोटा बीच में आता रहता है तो यहाँ पे हम आयोटा के बारे में सब जानेंगे, ठीक है। एवरीथिंग रिलेटेड टू आयोटा, कॉम्प्लेक्स में ही पढ़ा जाता है इसको और प्रॉपर आयोटा से क्वेश्चन भी आते हैं, तो एवरीथिंग अबाउट आयोटा। पहला कि भाई आयोटा है क्या, या फिर चलो सब यहाँ पे आयोटा लिख दिए, ठीक है। आयोटा इसके बारे में ये क्या है, कैसे है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सारा इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आपको एक चीज तो पता है, जो आयोटा का स्क्वायर होता है, आयोटा होता है, ये क्या होता है, ये इमेजनरी नंबर होता है, ठीक है। इमेजनरी नंबर मतलब क्या होता है, काल्पनिक संख्या। अब ये आपका पीछा हम कभी छोड़ता नहीं है, तो पूरा अपन डिटेल में ही पढ़ लेते हैं इसको। आयोटा क्या है, इमेजनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है। काल्पनिक क्या मतलब, इमेजनरी, कोई चीज है नहीं, ठीक है। जैसे अपन इमेजिन करें कि जैसे ये मेरा हाथ सोने का होता, तो ये है थोड़ी सोने का, जस्ट लाइक दैट, मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे ये मार्कर पेन बन जाए, ये मतलब कुछ होता ही नहीं है रियल में, तो इमेजनरी का सब कुछ। पहले तो भाई क्यों है इमेजनरी, तो मैं पहले की क्लासेस में ही बताता हूँ। आपको पता है कि जो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चलता, भाई रूट के अंदर है नेगेटिव साइन आता है तब क्या बनता है, इमेजनरी नंबर। इमेजनरी नंबर कब बनता है, काल्पनिक संख्या कब बनती है, जब रूट के अंदर क्या आता है, नेगेटिव आ गया। जैसे समझ लिया आपने रूट थ्री है, ठीक है, माइनस का रूट थ्री ले लिया, माइनस का रूट फाइव ले लिया, बोल दिया ये क्या है, इमेजनरी है। ये क्यों इमेजनरी है, क्योंकि आपने इसका स्क्वायर करा। रूट माइनस रूट फाइव का क्या मतलब है, यहाँ इसकी पावर ये वन बाय टू है। अब आपने क्या करा, स्क्वायरिंग, इसका क्या करा आपने, स्क्वायर करा। तो इसका स्क्वायर करने से क्या हो जाएगा, ये जो वन बाय टू है इसका क्या कर दिया आपने, स्क्वायर कर दिया, तो ये टू से कैंसिल होगा, माइनस का फाइव मिल जाएगा, ठीक है। और कोई भी आपकी कोई भी क्वांटिटी होती है, भले वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, पॉजिटिव है उसका स्क्वायर करा तो क्या आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। नेगेटिव है स्क्वायर करा, स्क्वायर का मतलब सेम को दो बार मल्टीप्लाई करा, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो कोई भी वैल्यू है उसका स्क्वायर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता, और इसका क्या स्क्वायर हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो जो रूट के अंदर नेगेटिव वाली सारी क्वांटिटीज है उसका स्क्वायर क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। तो इसीलिए इन सारे को क्या बोलते हैं, इमेजनरी नंबर बोलते हैं। अभी इसमें और आएंगे कि भाई आयोटा, फिर उन्होंने कहा यार माइनस फाइव इमेजनरी है, माइनस थ्री है, माइनस फोर है, सारे हैं, तो उनको कंक्लूड करके कुछ ऐसी क्वांटिटी दे कि सब है ना एक में ही डिनोट कर जाए। जैसे माइनस थ्री है ना, तो फिर उन्होंने क्या दिमाग लगाया कि माइनस थ्री को लिख दो माइनस वन इंटू थ्री, ठीक है, और इसको लिख दिया माइनस का वन और ये कर दिया रूट थ्री, फिर एक जो माइनस वन है उसको लिख दिया आयोटा, तो ये आपका क्या हो गया, रूट थ्री आयोटा। और ये उन्होंने हर जगह अप्लाई कर दिया। तो जैसे माइनस फाइव है इसको लिख दिया क्या, माइनस वन इंटू फाइव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस वन, और ये क्या हो गया रूट फाइव, और ये क्या हो गया रूट फाइव आयोटा। तो समझ गए ना, तो माइनस वन को रूट से अलग करने से हर जगह क्या बन गया, आयोटा। और आयोटा क्यों है इमेजनरी, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव। अब देखो इसको और चलो अलग से देख लेते हैं। अब जो आयोटा है वो क्या है आपको बताए, रूट के अंदर माइनस वन है। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस वन होती है, क्यों होती है अभी डिस्कस करते हैं। आयोटा क्या है, रूट के अंदर माइनस है, इसका करा आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो आयोटा का स्क्वायर हो गया, और इधर क्या हो गया माइनस वन की पावर रूट है, मतलब ये क्या वन बाय टू है, और इसका कर दिया स्क्वायर, तो यहां से आयोटा स्क्वायर क्या हो गया माइनस वन। एग्जैक्टली यहां तक किसी को दिक्कत। और ये भी वापस देखो, कोई भी क्वांटिटी का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव का स्क्वायर करोगे तो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ इसका हो रहा है, तो इसीलिए ये क्या है, इमेजनरी। तो अब आपको पता चल गया आयोटा क्या है, आयोटा है रूट माइनस वन है, और ये सारी नेगेटिव क्वांटिटीज को ऐसे डिनोट करने के लिए इसका मतलब उन्होंने इसको उसके बारे में सोचा था, इसकी डिस्कवरी ऐसे हुई थी। और आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस वन। अब देखो आयोटा क्यूब क्या होता है, देखो दो याद कर ले, आयोटा क्या रूट के अंदर माइनस वन, आयोटा स्क्वायर क्या हो गया माइनस वन। आयोटा क्यूब है, क्यूब को क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, तो ये क्या हो गया माइनस वन। तो यहां से आपको पता चल गया आयोटा क्यूब क्या हो गया, सॉरी माइनस आयोटा, आयोटा क्यूब क्या हो गया माइनस आयोटा हो गया, ये आपने। फिर आयोटा की पावर फोर क्या हो गया, ये हो गया आयोटा स्क्वायर
डॉट आयोटा स्क्वायर, तो ये माइनस वन क्या हो गया, प्लस का वन। यहाँ से एक बात और सीख ली, जो आयोटा की पावर फोर है वो क्या बताओ, वन है पॉजिटिव का, ठीक है, क्योंकि माइनस वन इंटू माइनस वन। अब आयोटा की पावर फाइव है, आयोटा की पावर फाइव है, उसको लिख दो वापस आयोटा की पावर फोर डॉट आयोटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, आयोटा हो जाएगा। आयोटा की पावर ऐसे सिक्स करा तो क्या हो जाएगा, सिक्स को लिख दो आयोटा की पावर फोर डॉट आयोटा, तो वो क्या हो जाएगा, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। आयोटा सिक्स क्या हो जाएगा, आयोटा की पावर फोर डॉट आयोटा की पावर टू, आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। भाई समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो यहां से भाई जो भी आयोटा की एक चीज यहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हो, आयोटा की पावर फोर एन होगी, आयोटा की पावर क्या होगी फोर, चलो ये बाद में साथ में करवा दूंगा, या फाइव तक हटा दो, ये मैं साथ में करवा दूंगा, यहाँ तक सीख लो। अब नेगेटिव में चल गए ये सारी चीजें, अब आयोटा की पावर माइनस वन कर दी, माइनस वन क्या हो जाएगा, वन अपॉन आयोटा हो जाएगा। भाई माइनस वन का मतलब यही होता है किसी की पावर माइनस वन, उसको ऊपर नीचे आयोटा से मल्टीप्लाई करा, नीचे आयोटा स्क्वायर बन गया, उसकी वैल्यू क्या है, माइनस वन। तो आयोटा की पावर माइनस वन क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, और आयोटा की पावर माइनस टू होता है वन अपॉन आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर क्या होता है बताओ, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, माइनस का वन। तो आयोटा की पावर माइनस टू भी क्या हो जाएगा, माइनस वन। आयोटा की पावर माइनस टू क्या हो जाएगा, माइनस का वन होगा। अब आयोटा क्यूब क्या होगा, माइनस का आयोटा माइनस क्यूब क्या होगा, वन अपॉन आयोटा क्यूब, और उसको लिख दे आयोटा स्क्वायर डॉट आयोटा, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर क्या होगा, माइनस का वन अपॉन आयोटा, और वन अपॉन आयोटा आपको पता है क्या है, वन अपॉन आयोटा क्या है, ये भाई वन अपॉन आयोटा क्या है, ये माइनस आयोटा। तो यहाँ फिर ये क्या हो जाएगा, आयोटा क्यूब क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस आयोटा हो जाएगा, क्योंकि वन अपॉन आयोटा क्या है, माइनस आयोटा, इसीलिए क्या बन गया, ये प्लस आयोटा। और आयोटा की पावर फोर क्या हो गया बताओ, आयोटा की पावर फोर माइनस फोर, सॉरी माइनस फोर क्या हो गया, वन अपॉन आयोटा की पावर फोर, जो क्या हो गया, वन हो गया, इज दैट क्लियर। तो यहाँ से आयोटा के अलग अलग पावर के लिए एक साथ कुछ रूल बना के लिखते हैं, अब देखो जब यहां लिख दो पावर्स और यहां लिख दो वैल्यू, पावर्स ऑफ आयोटा, वैल्यू ऑफ आयोटा, जब क्या हो, घात हो, और एक अलग अलग क्या कर दी, वैल्यू निकालो। बीच में अपन ऐसा करते हैं, जीरो से स्टार्ट कर देते हैं। आयोटा की पावर जीरो क्या होगा बताओ, किसी की पावर जीरो वन होता है, फिर भी चलो समझ लो, इसको लिख दे आयोटा की पावर वन और आयोटा की पावर माइनस वन। भाई यही तो हुआ, बेस है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आयोटा अपॉन वन अपॉन आयोटा, ठीक है, और ये आयोटा से आयोटा कैंसिल हो गया और क्या मिल गया, वन मिल गया। तो आयोटा की पावर जीरो की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। यहाँ लिखा है पावर ऑफ आयोटा, आयोटा की पावर जीरो होती है तो वन, आयोटा की पावर क्या होगी, वन होगी तो आयोटा की वैल्यू क्या होगी, आयोटा ही होगी। पावर टू होगी तो क्या होगी, माइनस वन होगी। पावर थ्री होगी तो क्या होगा, माइनस आयोटा होगा। पावर फोर होगी तो क्या हो जाएगा, वापिस वन आ जाएगा, इज क्लियर। और यहाँ पे पावर जब माइनस का वन होगी आयोटा की, तो क्या मिल जाएगा, माइनस आयोटा मिल जाएगा। देखो आयोटा की पावर माइनस वन क्या मिला, माइनस आयोटा मिला। और पावर जब टू होगी क्या बन जाएगा, सेम ही बन जाएगा, माइनस वन, और थ्री बन जाएगी तो माइनस थ्री बन जाएगी तो क्या हो जाएगा, प्लस का आयोटा हो जाएगा। माइनस फोर हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, वापिस वन बन जाएगा। तो देखो माइनस फोर और टू, माइनस टू और टू और फोर में क्या होगा, सेम हो रहा है, ठीक है। टू में भी क्या बन रहा है, माइनस वन, और माइनस टू में भी क्या बन रहा है, माइनस वन। फोर में भी आ रहा है वन, माइनस फोर में भी क्या आ रहा है, वन आ रहा है, इसे क्लियर। अब देखो यहां से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं, वो ये है, और हाँ जब टू हो आयोटा, सॉरी आयोटा की पावर वन हो तो क्या बनता है, आयोटा बनता है, और माइनस वन हो तो क्या बनता है, माइनस आयोटा बनता है। वन में आयोटा बन गया तो क्यूब में हो गया माइनस आयोटा, और यहाँ वन में ही बन गया माइनस आयोटा तो क्यूब में क्या हो जाएगा, प्लस आयोटा। एकदम उल्टा है, देखो याद कर सकते हो, ठीक है, ये आपको याद होनी चाहिए। अब ये आयोटा की क्या है, अलग अलग ये फिक्स। अब क्या करते हैं, हायर पावर ऑफ, मतलब उच्च घात के, हायर पावर, पावर्स ऑफ आयोटा, हायर पावर्स ऑफ आयोटा, आयोटा की उच्च घाते हैं।
अब आपको पता तो हो गया कि आयोटा क्या होता है। अब देखो हायर पावर्स मतलब आयोटा की पावर कभी भी 4n होगा, ठीक है। यहाँ पे n ले लिया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है जो आपका 1, 2, 3, 4 होता है, ये इसको आप नेचुरल नंबर बोलते हो, काउंटिंग नंबर्स बोल दिए। तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, आयोटा की पावर 4 और n, कोई दिक्कत नहीं है। और आयोटा की पावर 4 क्या होता है, 1 होता है, और यहाँ करने से एग्जैक्टली। तो आयोटा की पावर 4n हो तो हमेशा उसकी वैल्यू सीधी क्या हो जाएगी, 1। तो जैसे आयोटा की पावर आपने इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, आयोटा की पावर क्या करी, आयोटा की पावर आपने कर ली हाँ ये 60 कर ली। तो आप 60 को क्या लिख सकते हो, 60 को लिख सकते हो 4 × 15, फिर इसको लिख दे आयोटा की पावर 4 और ये लिख दिया 15, मल्टीप्लाई 60 नहीं होता है, फिर ये 1 हो गया और ये 15 हो गया, आ गया 1 आ गया। तो इसमें कोई सोचने की जरूरत नहीं है कि आयोटा की पावर 4n क्या होता है, यदि n नेचुरल नंबर है तो आयोटा की पावर 4n क्या हो गया बताओ, हाँ बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यदि आपने आयोटा की पावर क्या करा, 4n+1 करा, एन सब में क्या ले रहे हैं, नेचुरल नंबर ही ले रहे हैं, यदि आपने आयोटा की पावर क्या कर दिया, 4n+1 कर दिया, तो बेस सेम हो तो पावर को अलग अलग लिख सकते हैं, आयोटा की पावर 4n और आयोटा की पावर 1, भाई बेस सेम है तो पावर को अलग अलग कर दिया। अब आयोटा की पावर 4n क्या है आपको पता है, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। मैं बताऊंगा अभी क्वेश्चन कैसे आता है, यहां तक कोई दिक्कत। अब देखो आयोटा भले ये भी सॉल्व करके आयोटा की पावर 101 कर दो, भाई आयोटा की पावर क्या कर दिया, 101 कर दिया, तो आपको पता है इसमें 4 से डिवाइड करके देखो रिमाइंडर 1 बचेगा, ठीक है। तो इसको आप फिर है ना 4 का जो प्रोडक्ट है उसको अलग लिख दो, आयोटा की पावर 100 और आयोटा की पावर क्या कर दिया 1, आयोटा की पावर 100 को लिख दिया आयोटा की पावर 4 और उसकी पावर 25 और इसको लिख दिया आयोटा, इसकी वैल्यू 1 हो गई, 1 की पावर 25, समझ गया ना आयोटा गया, कोई दिक्कत। आयोटा की पावर 4n+2 करा, ठीक है 4n+2 कर दिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, आयोटा स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी, क्यों हो जाएगी, 4n और 2 अलग करा आयोटा स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगी इसकी वैल्यू। और आयोटा की पावर क्या कर दिया, 4n+3 कर दिया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, 4n और 3 को अलग करा 4n की 1 हो गई, आयोटा की पावर क्यूब की क्या होती है, माइनस आयोटा होती है, तो ये माइनस आयोटा होती है, तो ये क्या आ गया आपका, माइनस आयोटा होगा। और फिर आयोटा की पावर क्या कर दिया, 4n+4 हो गया, तो ये तो आप ही समझ गए ना, n+1, n नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर का समझ गया ना, सम भी नेचुरल, तो ये तो वापिस क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा 4 का मल्टीपल, एग्जैक्टली, कोई दिक्कत, एकदम ईजी है। अब देखो फिर यहाँ करा आपने नेगेटिव में चले, ठीक है, आयोटा की पावर -4n क्या होगा, आयोटा की पावर -4 भी क्या होती है, 1 ही होती है, तो आयोटा की पावर -4n को लिख सकते हो, आयोटा की पावर -4 और आयोटा की पावर इसकी वैल्यू क्या, 1 है, तो वापस 1 की पावर n करा तो क्या आ गया, 1 ही आ गया, एग्जैक्टली है ना। या चलो पॉजिटिव में भी लेके चल सकते हैं सेम को, पहले इसका माइनस लेते हैं, आयोटा की पावर आपने लिया 4n-1, ठीक है, क्या करा आयोटा की पावर 4n-1 करा, तो इसको लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4n.iota^-1 और आयोटा की पावर -1 क्या होता है, माइनस आयोटा होता है, और इसकी वैल्यू आपको पता है क्या है, 1 है, तो ओवरऑल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा। और आयोटा ये बस सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, -2 कर दिया तो ये क्या हो गया, आयोटा की पावर 4n हो गया और आयोटा की पावर -2 हो गया और इसकी वैल्यू क्या है, -1 ही आएगी, समझ, 4n की वैल्यू 1 हो गई, आयोटा की पावर -2 की वैल्यू क्या होती है, -1 ही होती है। और यहाँ पे आयोटा की पावर क्या कर दिया, 4n-3 कर दिया, तो आयोटा की पावर 4n की वापस 1 होगी और आयोटा की पावर -3n की वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ, प्लस का आयोटा होगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी -3 नहीं, माइनस का आयोटा नहीं होगी, प्लस का आयोटा होगा, उल्टा चलता है, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, इज दैट क्लियर। और आयोटा की पावर -4n हो गया तो वापस क्या, 1 ही बनेगा।
अब माइनस में फोर एन हो गया, तो ये सारी चीजें लगभग तुम समझ लो ना सेम एक ही कॉन्सेप्ट काम में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आयोटा की जैसे पावर लगातार चार बढ़ती है ना, जैसे 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो आयोटा माइनस आयोटा प्लस वन माइनस वन। यहाँ मैं एक स्टेटमेंट लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे देखो लगातार चार पावर, कोई भी चार पावर ले ले, यहाँ तो क्लियर है ना, समझ में आ गया ना। आयोटा की पावर माइनस फोर एन माइनस वन होता तो क्या होता, वो आयोटा की पावर माइनस वन हो जाता है, उसकी वैल्यू माइनस आयोटा हो जाती है, फिर माइनस टू हो जाते हैं उसके, तुम कर सकते हो, ये बस कॉन्सेप्ट यही रहेगा। अब ध्यान से देखना आयोटा की, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, सम ऑफ फोर कॉन्सिक्यूटिव, मतलब क्या होता है क्रम अनुसार, पावर्स ऑफ आयोटा हमेशा क्या होता है जीरो होता है। आयोटा के चार क्रम कॉन्सिक्यूटिव क्रम अनुसार घातों का सम हमेशा क्या होता है जीरो होता है। मैं लिख देता हूं, आयोटा की पावर एम मान ली, आयोटा की पावर एम प्लस वन मान ली, आयोटा की पावर एम प्लस टू मान ली, आयोटा की पावर एम प्लस थ्री मान ली, तो देखो एक एक बढ़ रही है, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होती है जीरो होती है। ठीक है, प्रूफ कैसे करें, आयोटा की पावर माइनस एम सॉरी एम कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या मिलेगा वन, यहाँ क्या मिलेगा आयोटा, यहाँ क्या मिलेगा आयोटा स्क्वायर, यहाँ क्या मिलेगा आयोटा क्यूब। ठीक, वन का माइनस वन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, और आयोटा क्यूब क्या होता है माइनस आयोटा, तो ये होता है जीरो। और भी चलो छोड़ो, आप यहाँ देखो ना, इन इन चार को ले लिया, तो देखो आयोटा माइनस आयोटा वन माइनस वन, इनको छोड़ के इन चार को ले लिया भाई, जीरो भी इंक्लूड कर दिया, किसी भी चार को ले लिया वन टू, इन चार को ले लिया आयोटा माइनस आयोटा वन माइनस आयोटा, तो किसी भी चार को पहले इन चार को ले लो, देखो सही समझ में। तो कोई भी आयोटा की चार जो पावर होती है उनका जो सम होता है वो क्या होता है हमेशा जीरो होता है। कैन आई इरेज दिस, एक और जो दो इवेंट वो भी करवा दूंगा। अब देखो यहां पे एक क्वेश्चन ले लिया आपने, आयोटा की पावर 400, आयोटा की पावर 401, आयोटा की पावर 402, आयोटा की पावर 403, ये निकालो। आयोटा की पावर 400 क्या होता है, 4n है, 4 into 100 लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू आ गई 1, इसकी वैल्यू क्या आ गई आयोटा, इसकी वैल्यू माइनस 1, क्यों 400 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या आ गई माइनस आयोटा हो गई, ये कैंसिल होकर क्या बनेगा जीरो। अब देखो आयोटा की अपन क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आयोटा आयोटा स्क्वायर आयोटा 4 आयोटा 6 आयोटा 8 आयोटा 10 आयोटा 12, जब क्या हो दो का डिफरेंस हो। ठीक है, यहां पे एक और क्वेश्चन ले लिया, आयोटा आयोटा क्यूब आयोटा की पावर, एक सेकंड, दो का डिफरेंस है, आयोटा की पावर 5 आयोटा की पावर 7 आयोटा की पावर 9 डैश डैश करके यहां पे लिख दिया 2n प्लस 1 टर्म्स, दोनों क्वेश्चन कर लें। तो देखो दो का डिफरेंस हो तो आपको पता है आयोटा स्क्वायर क्या होता है, ध्यान से सुनो, आयोटा स्क्वायर क्या होता है, यहां से मैं बता देता हूं, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस 1, आयोटा की पावर 4 क्या होता है प्लस 1, आयोटा की पावर 1 क्या होता है आयोटा ही रहता है, और आयोटा के क्यूब क्या हो गया माइनस है। कुछ लिंक निकाल पा रहे हो क्या, इसका इसका सम भी जीरो, इसका सम भी क्या हो गया जीरो, प्लस आयोटा माइनस है। तो जब पावर दो का डिफरेंस हो तो उनका सम हमेशा क्या होता है जीरो, भले इवन लो या भले ऑड ले लो, इज दैट क्लियर ना, भले आयोटा की पावर जीरो ले लो, जीरो का वन होगा आयोटा की पावर जीरो, और टू ले लो तो क्या हो जाएगा, हाँ तो यहाँ सम नंबर से ज्यादा है कि दो का डिफरेंस, जब आयोटा की पावर में दो का डिफरेंस हो
जैसे आयोटा की पावर माइनस वन ले लिया, क्या होगा, माइनस आयोटा, फिर माइनस थ्री ले लिया, प्लस आयोटा, तो यहाँ नेगेटिव में भी चलता है। तो जब पावर में क्या हो, दो का डिफरेंस हो, तो उनका सम क्या होता है, जीरो होता है। ये दोनों पकड़े, इनका सम जीरो होगा, क्यों, आयोटा के ये वन हो जाएगा, ये क्या ए प्लस टू आयोटा स्क्वायर माइनस वन, वन माइनस वन जीरो, इधर भी क्या होगा, जीरो जीरो और ये जीरो, आंसर क्या बचेगा, आयोटा बचेगा। क्लियर? अब टर्म कितनी है, टू एन प्लस वन है, तो यहां से एन निकाल दी, एक निकाल दी, तो यहां से यहां तक कितनी टर्म बनेगी, टू एन। ठीक है, टू एन क्या है, इवन नंबर है भाई, टोटल टू एन प्लस वन टर्म बची है ना, यहां से आयोटा निकाल दिया तो यहां से कितनी मिली, टू एन है, तो इवन बनी है, तो इवन को दो दो में कट कर दिया, देखो दो 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 ऐसे कर सकते हैं ना, ये टोटल क्या बनेगी, इवन बनेगी, तो इवन का वापस सम क्या हो जाएगा, इसका पूरा जीरो हो जाएगा, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, आयोटा हो जाएगा। अब क्या होता, यहां ये टू एन प्लस टू बोल देता, सेम क्वेश्चन नया बना दो, टू एन प्लस टू में फिर पूरी इवन हो जाती, समझ गए ना, तो यहां आयोटा इनका सम भी क्या हो जाता, जीरो हो जाता, तो उस केस में आंसर जीरो आ जाता। ठीक है, खाली टू एन हो जाता उसमें भी जीरो हो जाता, टू एन प्लस थ्री हो जाता तो भी टू एन प्लस टू आपका इवन बना देता, वन निकाल देते, इज दैट क्लियर ना, तो चार कॉन्सिक्यूटिव हो उसका सम क्या होता है, आयोटा की पावर का जीरो होता है, किसी भी केस में प्रूफ कर लिया अपन ने यहाँ पे। और जब दो का डिफरेंस हो, ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल है, देखो इसमें और इसमें दो का डिफरेंस है तो ये जीरो हो गया, इसमें इसमें दो का डिफरेंस ये जीरो हो गया, हर जगह अप्लाइड है, इज दैट क्लियर ना, तो इसको भी इस कॉन्सेप्ट से कर सकते हो, ये इन दोनों का सम जीरो, इन दोनों का सम जीरो। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आयोटा के बारे में आपको अच्छा खासा ज्ञान दे दिया है। अब आयोटा में एक वास्तविक भाग, अब चलो फिर अब आ जाओ कॉम्प्लेक्स नंबर पे, आयोटा अपन ने अच्छा खासा पढ़ लिया है। अब हाँ एक चलो और मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैथमेटिक्स में एक होता है काफी मतलब फेमस चीज है, एक एरर होती है मैथ्स की, वो होती है यदि आपने ये ले लिया ए और ये ले लिया बी, ये ले लिया ए ये ले लिया बी, अब आपने ए और बी दोनों की वैल्यू क्या ले लिया, माइनस वन। ठीक है, दोनों की वैल्यू ले ली माइनस वन, तो यहां पे माइनस वन इंटू माइनस वन क्या मिला, माइनस वन माइनस प्लस वन हो गया, और प्लस वन का रूट क्या होता है, ये समझ गए ना, माइनस वन इंटू माइनस वन, इधर क्या मिला, माइनस वन इंटू माइनस वन, तो यहां पे ये हो गया प्लस वन और ये क्या हो गया, आयोटा, ये हो गया आयोटा, रूट क्या होता है, वन का वन ही होता है, आयोटा स्क्वायर माइनस वन। तो मैथ्स में आ गए एरर, ये जो प्रॉपर्टी होती है रूट के अंदर, जैसे यहां माइनस वन रूट के अंदर आते ही कौन सा नंबर आ गया, इमेजिनरी नंबर आ गया, तो अपन ये जो प्रॉपर्टी है ना कि बे सेम है, तो जैसे अपन भाई यही तो प्रॉपर्टी है भाई, या इसको और अलग से ले लिया, आपको पता है ए और बी की क्या हो, पावर सेम है, वन बाय टू, वन बाय टू है, तो आपको पता लिख सकते हैं ए बी की पावर वन बाय टू। ठीक है, पावर सेम है तो मल्टीप्लाई, ये यही तो हुआ है, ए और बी का यहाँ नेगेटिव था ना भाई, यहाँ माइनस वन माइनस वन, यहाँ माइनस वन था, अपन ने रूल लगा दिया कि भाई पावर सेम है तो ए इंटू बी और पावर क्या कर दिया, माइनस वन। ये जो प्रॉपर्टी है ये किसके लिए हेल्ड होती है, ओनली फॉर रियल नंबर्स, नेचुरल नंबर के लिए, सॉरी ये इमेजिनरी नंबर के लिए आप ये प्रॉपर्टी नहीं अप्लाई कर सकते, ये जो प्रॉपर्टी है नेचुरल मतलब सॉरी रियल नंबर के लिए ही सही होती है, इमेजिनरी के लिए सही नहीं होती। फिर भी यहां पे मैं इसका लिख देता हूं, यदि आपका ए बी इक्वल्स टू ए और बी होगा तो उस केस में ये आपका इट विल बी ट्रू, बी ट्रू व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी इज पॉजिटिव। एटलीस्ट का क्या मतलब, दोनों पॉजिटिव हो गए तो ये भी क्या हो गया, वन और वन हो गया, तो यहां पे वन आ गया, दोनों पॉजिटिव हो गए वन, एक दोनों में से पॉजिटिव आ गया तो यहां पे भी क्या हो गया, रूट के अंदर आयोटा, एक पॉजिटिव आते यहां पे भी क्या हो जाएगा, एक आयोटा, तो उसमें दोनों जब नेगेटिव हो जाए ये सच नहीं होगा।
ठीक है। और इसका रीजन है जो ये प्रॉपर्टी है ये वाली, ये सिर्फ किसके लिए है, ये रियल नंबर के लिए है, इमेजनरी नंबर के लिए, काल्पनिक संख्याओं के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्याओं के लिए। तो यहाँ पे ये भी अपन ने पढ़ लिया। अब कॉम्प्लेक्स नंबर, यहां से आपका टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि आयोटा बहुत परेशान करता है आपको हर जगह। तो अपन ने फिर आयोटा के बारे में पूरा डिटेल समझ लिया। एग्जैक्ट। अब चलो एक और बात, आयोटा पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो, ये भी बता देता हूं। बताओ आयोटा पॉजिटिव है, नेगेटिव है या जीरो है? कुछ नहीं कह सकते। हाँ बिल्कुल सही। तो आयोटा है वो पहला जीरो से बड़ा है, जीरो है या जीरो से छोटा है, इसके बारे में देखते हैं भाई। आयोटा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, और नहीं है तो क्यों नहीं है? तो केस वन, आयोटा ले लिया, लेट सपोज कर लिया, आयोटा क्या ले लिया, जीरो से बड़ा ले लिया, ठीक है। अब जीरो से बड़ा लिया है, अपन ने क्या करा, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। तो जीरो का स्क्वायर क्या हो गया, जीरो ही हो गया भाई। जीरो का स्क्वायर क्या हो गया, जीरो ही हो गया। और यहां क्या आ गया, माइनस वन आ गया, वो जीरो से बड़ा। एग्जैक्टली है ना, कोई दिक्कत? और यहां पे ये लिया है, ये लेके चले थे और ये आ गया, मतलब ये क्या है, ये सही नहीं है। इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। अपन कुछ लेके चलते हैं फिर उससे कुछ कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है। तो कॉन्ट्राडिक्शन हो गया मतलब जो लिया है वो सही नहीं है भाई। कॉन्ट्राडिक्शन हो गया ना, माइनस वन जीरो से बड़ा कैसे है, इसका मतलब जो लिया है वो क्या नहीं है, सही नहीं है। अब ले लिया केस टू, केस टू है आपने माइनस आयोटा ले लिया, क्या है, जीरो से छोटा ले लिया। इसमें सेम करा, इसका स्क्वायर कर दिया। तो आपको पता है किसी भी, सेम ही प्रूफ है, किसी भी क्वांटिटी का स्क्वायर करो वो क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए भाई। आपने इसका भी स्क्वायर कर दिया, इसका भी, यहाँ नेगेटिव क्वांटिटी लिया, एक सेकंड, आयोटा लिया क्या, जीरो से छोटा लिया है, ठीक है, भले प्लस आयोटा ले लिया, प्लस आयोटा की बात कर रहे हैं, आयोटा क्या ले लिया, जीरो से छोटा ले लिया। और जीरो से छोटी क्वांटिटी का आपने स्क्वायर करा, तो स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए भाई। नेगेटिव का यहाँ देखो ना, भले आपने माइनस थ्री लिया है, जीरो से छोटा, माइनस थ्री का स्क्वायर करो तो ये जीरो से बड़ा ही होगा ना, तो ये साइन चेंज कर दिया। फिर यहाँ तो क्या आ गया, यहाँ माइनस वन आ गया और ये जीरो से बड़ा, तो ये भी क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। मतलब यहाँ भी क्या हो गया, हिंदी में इसको विरोधाभास बोलते हैं। मतलब जीरो से बड़ा माना तो भी कॉन्ट्राडिक्शन, जीरो से छोटा माना तो भी कॉन्ट्राडिक्शन। केस थ्री, आयोटा क्या ले लिया, जीरो ले लिया, आयोटा क्या ले लिया, जीरो ले लिया, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया आयोटा से, इधर भी आयोटा, इधर भी आयोटा। तो जीरो को किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करो क्या आ गया, जीरो आ गया। और इसका करा आयोटा स्क्वायर क्या हो गया बताओ, माइनस वन आ गया, ये इक्वल नहीं हो सकता। तो मतलब ये भी क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे इज दैट क्लियर, समझ में आया नहीं है? तो आयोटा के बारे में नीचे लाइन लिखो, आयोटा इज नीदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, ठीक है, कुछ भी नहीं है, ना जीरो है, ना पॉजिटिव है, ना क्या है, नेगेटिव है। तो अब यहाँ पे आयोटा ना ही धनात्मक मान है, ना ही ऋणात्मक मान है, ना ही क्या है, शून्य है। तो आयोटा क्या नंबर है, इमेजनरी नंबर है, इसके बारे में कुछ क्या ही नहीं सकते। तो अब यहां से मुझे बताओ विच वन इज ग्रेटर, कौन सा संख्या बड़ी है, पहला फाइव आयोटा और थ्री आयोटा, बड़ी कौन सी है, नहीं बता सकते, क्योंकि भाई इमेजनरी नंबर है। आयोटा जहां आ जाए हमें आइडिया ही नहीं है कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, क्योंकि आयोटा यहां पे आ गया, ठीक है। अब यहां पे पी, यहां पे लिख दिया थ्री प्लस टू आयोटा, एक मिनट, यहां पे लिख दिया, चलो छोड़ो उसका। ये कोई भी संख्या में बड़ी छोटी बताने के लिए क्या जरूरी है, आयोटा का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, आयोटा होना ही नहीं चाहिए, तभी बता सकते, आयोटा आते आप बता नहीं सकते। इज दैट क्लियर?
यहाँ से आपका प्रॉपर जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा के बारे में आपने अच्छा खासा ज्ञान ले लिया है, ठीक है। बाकी वो आपका टॉपिक करेंगे, कल स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर।